आज दो हिस्सों में देखिए, एक तो बजट से पहले, इनफैक्ट तीन हिस्सों में, और फिर बजट आने के बाद, और वहां से फिर रिकवरी। रिकवरी बेहद शानदार रही, करीब करीब 400 से 450 अंकों की रिकवरी निफ्टी में आई। और जिस प्रॉफिट टेकिंग की बात की जा रही थी कि बजट के बाद शायद प्रॉफिट टेकिंग आए, वो प्रॉफिट टेकिंग कम से कम नंबर्स में भी बाजार के लेवल्स में नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि अगले हफ्ते भर में कुछ और रीड करे बाजार, जैसे कि एक क्लैरिफिकेशन अभी आया है कि नहीं, एसटीटी जो बढ़ेगा वो 1 अक्टूबर से बढ़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें और फाइन प्रिंट्स होंगे जिसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, और फिर से आपको एक रिफ्रेश्ड एनालिसिस आपके लिए हम कल के सत्र में लेकर जरूर आएंगे। लेकिन आज की क्लोजिंग ठीक ठाक, बढ़िया क्लोजिंग, क्यों राजेश जी? बिल्कुल, ये जिस तरीके से क्लोज हुआ है कम्फर्टेबली 24,450 के ऊपर, हमें लगता है इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डेंट मार्केट को मिला नहीं, और बैंक निफ्टी भी एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ही बंद होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि अगर ये लेवल को भी होल्ड आउट रखता है नेक्स्ट सेशन में, तो यहाँ से कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी मार्केट, और मार्केट में वापस सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम वापस आते हुए दिखेगा। जी हाँ, तो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की आज अगर हम बात करें तो कंजम्पशन प्ले ही है जो उभरता हुआ नजर आया है, जहाँ पे ITC, टाइटन और टाटा कंज्यूमर्स जो रहे हैं वो निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे हैं। जहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी है गोल्ड के इंपोर्ट्स पे उसको घटाया गया है, इसका टाइटन बेनिफिशियरी माना जा रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो गोल्ड फाइनेंसेस में आज पिटाई जरूर हुई है। इसके अलावा ITC भी कोई बुरी खबर नहीं आने के चलते यहाँ पे एक्साइटमेंट बिल्डअप होता रहा। कुछ एक फार्मा काउंटर्स भी निचले स्तरों से ऊपर अच्छी तरीके से आए, और साथ ही IT स्पेस में भी एक्शन देखने को मिला। बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ट जैसे काउंटर्स जो हैं अच्छी तरीके से अपने आप को होल्ड करने में कायम रहे। पर ऑल इन ऑल निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी मानी जाएगी। एक पल में हम देख रहे थे कि निफ्टी 50 में जितनी भी गिरावट थी वो पूरी तरीके से खत्म हुई थी, हरे निशान में भी लौटा था। पर फिलहाल जो क्लोजिंग देख रहे हैं वो 30 अंकों की गिरावट निफ्टी 50 में, वहीं निफ्टी बैंक 500 अंकों से ज्यादा कमजोरी के साथ क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है।